जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। एनकाउंटर में 4 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वह डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा के डेसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। बता दें कि एनकाउंटर अभी जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। जवानों को अमेरिकी M4 राइफल और 3 बैग में विस्फोटक मिला है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई। इसमें NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक की जानकारी सामने नहीं आई है।